हेलो 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 हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब भाई बच्चों? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेरी हेल एंड हार्टी। दिस इज व्हाट आई विश फॉर। एंड जो कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दैट, वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSC, JSP, RMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस दैट यू कैन सी। और इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के चैनल पर। सो ऑल यू हैव टू डू इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मैनी मोर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है दैट इज फॉर NMTC सब जूनियर, विच इज बेसिकली फॉर 7th and 8th क्लास स्टूडेंट्स। एंड हम लोग अभी तक ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज से हम लोग का मिसलेनियस जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, और उस मिसलेनियस के अंदर हम लोग आज क्लॉक पढ़ेंगे। राइट चिल्ड्रन? सो इसीलिए ये डायग्राम है। सो दिस डायग्राम शोज मिसलेनियस थिंग्स। सो देर इज एन एप्पल एज वेल, एंड देर इज क्लॉक एज वेल, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। राइट? सो दैट इज वॉट इट सेज कि देखते हैं अब आगे आप क्या पढ़ना है हमें। सो दिस इज आवर ऑसम टीम चिल्ड्रन। हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन गूगल क्लासरूम एंड सॉरी ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल, नॉट ऑन गूगल क्लासरूम, ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल। एंड प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको अपनी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग इनको देखना है। और एज सच कुछ वो तो होता ही नहीं है इसके अंदर, कि बैकलॉग वगैरह हो रहा है। बस जैसे जैसे आपका जो जो भी लेक्चर छूट रहा है उनको जैसे जैसे टाइम है वैसे वैसे देखते जाइए, और अभी वाला लेक्चर तो आपको देखना ही है। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी चिल्ड्रन। आई एम अदिति व्यास एंड आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं अभी तक के जितने भी पढ़े हुए हैं, दैट इज ऑन ऑब्वियसली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन, दिस इज फॉर क्लास 6 to 10। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है कोई भी लेक्चर। लाइक द यूज ऑफ इट इज दैट नन ऑफ योर लेक्चर्स वुड गो मिस्ड, आपको कोई लेक्चर इससे मिस नहीं होगा। सो लाइक इफ यू आर इन क्लास 6, वॉट यू हैव टू सर्च फॉर इज TTB 06, इफ यू आर इन 7 देन ETB 07 08 एंड सो ऑन। राइट? सो क्योंकि लाइक यू विल बी कीप ऑन गेटिंग द वट वी कैन से लाइक यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ द टाइम टेबल, इसलिए आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा चिल्ड्रन। इज दिस क्लियर? मूविंग ऑन, ये हम लोग की वेबसाइट है बहुत ही अमेजिंग सी, दैट इज www.talkingtextbooks.in। यहाँ पे आपको पैकेजेस दिख जाएंगे। सो यू कैन सी दैट दिस इज द 9000 पैकेज एंड दिस इज द 3500 पैकेज। व्हेन यू यूज माय कोड AVLIVE तो आपको 30% का इसके अंदर डिस्काउंट हो जाएगा चिल्ड्रन। यू विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 30%। Right, you will be getting a discount of 30%, and this 9000 would be for 6300, 9000 ka jo package hai, and this will be for 2450. Clear? Is this clear children? And the other inclusions, ab dekho 6300 is the complete package, uske andar aapko the study material you're going to get as well as the test series. Right, you will be getting the test series for the same pattern. And if you think that you have enough study material and you do not want to opt for it, then there is a second package which is there. And there's a second package which says that यहाँ पे क्या है, दैट इज फॉर द टेस्ट सीरीज पैकेज। राइट? सो यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल, आप टेस्ट सीरीज ऑप्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के अंदर वही क्यूमुलेटिव और पार्ट टेस्ट होंगे, एंड द अदर इंक्लूजन्स आर मेंशन्ड हियर। मैं बाय वीकली क्विजेस के लिए हमेशा बोलते रहती हूँ चिल्ड्रन, please start giving bi-weekly quizzes. These are for like you can say these are for the you can say जो ओलंपियड लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंदर होंगे, एंड ऑब्वियसली दीज आर फॉर फ्री, एंड यू कैन फाइंड इट ऑन आर वेबसाइट दैट इज talkingtextbooks.in। डिफरेंट पेमेंट मोड्स आपको पता है, कुछ भी क्वेरीज होती है चिल्ड्रन रिगार्डिंग दिस, 9549041111 इज द नंबर वेयर ऑल योर क्वेरीज वुड बी हैंडल्ड। सो दिस इज अबाउट इट चिल्ड्रन, वील स्टार्ट विद अ लेक्चर फॉर टुडे, बट बिफोर लेट्स कंप्लीट आवर रिचुअल एंड देन वील गो ऑन for a lecture that is on clocks. So इसके लिए basic prerequisite क्या है चिल्ड्रन? अब ये क्यों important है? क्योंकि clock तो हमारे जीवन का मतलब समय हमारे जीवन का आधार है, ये तो हम जानते ही हैं। And other than that, इसके prerequisite क्या है? That
लाइक बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लॉक. क्लॉक में 1, 2, 3, 4 कैसे होते हैं इतना हमें पता है. भाई 12 तक हम एनालॉग में हम 12 तक लिखते हैं जो नंबर्स रहते हैं वो. एंड देन राउंड एंड शेप, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं वो. देन क्या क्या कीवर्ड्स होंगे, मिनट हैंड होगा, क्लॉक हैंड, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, मिरर इमेजेस एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड इसको करने के बाद हमें क्या कुछ चीज़ें पता लग रही होगी, वी विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लॉक्स. राइट चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट. सो बेसिकली क्लॉक होता क्या है, अब वी ऑल नो की व्हाट क्लॉक इज. वी ऑल नो चिल्ड्रन व्हाट क्लॉक इज. अब क्लॉक कैसा होता है, दिस इज आवर क्लॉक. राइट, हम राउंड में लेंगे क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना चिल्ड्रन क्लॉक के ऊपर, वो राउंड क्लॉक के ऊपर ही बनते हैं. राइट, तो जैसे हम देखते हैं स्टाइलिश क्लॉक्स होती हैं जो ऑक्टागोनल भी होती हैं, स्क्वायर भी होती हैं, थिंग्स लाइक दैट. बट देन क्वेश्चंस में वी गेट द राउंड क्लॉक ओनली. राइट, सो दिस इज 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 and 11. राइट, एंड 12 ये तो रहता ही है. देन देर इज एन आर हैंड जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं, और एक मिनट हैंड होता है इस तरह से. ठीक है, तो ये हुआ मिनट हैंड, ये हुआ आर हैंड. आर हैंड ऑब्वियसली थोड़ा छोटा होता है, मिनट हैंड थोड़ा बड़ा होता है. सेकेंड हैंड भी होते हैं, बट जनरली अभी हमारे कोर्स में नहीं है सेकेंड हैंड, सिर्फ इतना काफ़ी है. राइट, तो अभी कितना बज रहा है, 3 PM हो रहा है. राइट, अब और कुछ इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सी दिस इज 12 एंड दिस इज 1. राइट, तो इसके बीच में इक्वल सेपरेशन कितने होते हैं, 5 इक्वल सेपरेशन होते हैं चिल्ड्रन. राइट, सो हम यहाँ पे कितने बना सकते हैं, देखो 1, 2, 3 and 4. राइट, सो कितने सेपरेशन हो गए, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 इक्वल सेपरेशन हो गए. अब देखो 1 hour के अंदर, 1 hour में चिल्ड्रन, इन 1 hour एक ये जो मिनट हैंड, जो आर हैंड है, वो एक नंबर से उसकी कॉन्सिक्यूटिव दूसरे नंबर तक चलेगा 1 hour के अंदर. वेर एज मिनट हैंड कितना कवर कर लेगा, 360 degrees. मतलब ये पूरा टोटल एंगल कितना है चिल्ड्रन, हमने पढ़ा ही है कि एक पॉइंट के अराउंड, लाइक द एंगल एट अ पॉइंट इज 360 degree. इसके पूरे अराउंड कितना एंगल है चिल्ड्रन, 360 degree. राइट, तो 1 hour में, 1 hour में मिनट हैंड कितना कंप्लीट कर लेते हैं, इन वन आवर मिनट हैंड कंप्लीट्स वन रोटेशन. राइट, दैट मींस 360 degrees. राइट, 360 degrees पूरा कंप्लीट कर लेता है. राइट, तो 1 hour, अब इसमें बेसिक चीजें क्या है, 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes एंड 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds. इतना तो अपन जानते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ना. तो ये बेसिक चीज़ें हम जानते हैं. अब 12 hours में चिल्ड्रन, 1 hour के अंदर मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 rotation एंड इन 12 hours, मतलब 12 पे यहाँ से चला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. राइट, सो इन 12 hours आर हैंड कंप्लीट्स 1 rotation विच इज इक्वल टू व्हाट चिल्ड्रन, अगेन 360 degrees. मतलब जो मिनट हैंड जो है वो तो हर एक आर में कंप्लीट कर लेगा 360 degree, मतलब एक पूरा रोटेशन. वेर एज 12 hours के अंदर आर हैंड कंप्लीट करेगा पूरा एक 360 degree रोटेशन. ठीक है, तो इतना बेसिक हम जानते हैं. अब बात आती है मिरर इमेज की. ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मिरर इमेज की. तो अब मिरर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने रखा इस तरह से. ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है. अब ये मेरा मिरर है. राइट, दिस इज माय मिरर. तो अब इसके ऑपोजिट मुझे चीज़ कैसी दिखेगी, मिरर में मुझे कैसा दिखेगा, इस तरह से. ऑब्वियसली लेफ्ट बिकम्स, देखो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है. राइट, एंड दिस इज, तो अब इसके मिरर इमेज में क्या होगा, देखो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा,
कि द राइट बिकम्स द लेफ्ट एंड द लेफ्ट बिकम्स द राइट. ठीक है, तो यही लॉजिक होता है इसका कि जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा मिरर इमेज के अंदर और जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा यहाँ, है ना. यही बेसिक सी चीज होती है. तो अब अगर मुझे मिरर क्लॉक के अंदर बात करनी है मिरर इमेज की, तो ये मेरी एक क्लॉक है, राइट. ये मेरा मिरर है और ये मेरी क्लॉक है. ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अगर 3 PM हो रहा है ना, यहाँ पे मान लो 3 PM हो रहा है, दिस इज 12 एंड दिस इज 3. बाकी क्या आपको पता ही है, ये मेरा मिरर है, है ना. तो अब इसके अंदर इमेज कैसी बनेगी भाई, ये तो एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल मान लो या रियल मान लो, तो ये तो मेरी रियल इमेज हो गई. अब मेरी मिरर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज क्या होगी, देखो दिस इज, दिस कम्स ऑन द राइट साइड और ये क्या है, लेफ्ट है, राइट. तो अब क्या होगा कि लेफ्ट इधर साइड कैसे हो जाएगा, राइट बन जाएगा और ये इस तरह से दिखाई देगा, राइट. दिस इज 3 एंड दिस इज 12, सो दिस बिकम्स माई लेफ्ट एंड दिस बिकम्स माई राइट. तो अब आप देख रहे हो कि कैसे लेफ्ट जो था वो राइट बन गया और राइट जो था वो लेफ्ट बन गया, ये हमने देख लिया यहाँ पर, राइट. सो अब ये तो पॉइंट ये हुआ कि ठीक है, अपन ने बना करके देख लिया भाई कैसा है क्या है, एंड वी एक्सप्लेन्ड कि भाई ऐसा ऐसा टाइम हो रहा है. तो बेसिकली अगर मैं ये देखूँ तो ये क्या है, 9 बज रही है भाई, 3 PM का मिरर इमेज क्या बजा रहा है, 9 o'clock दिखा रहा है, क्योंकि इधर 9 होता है इधर 3 होता है, राइट. तो मिरर इमेज में 3 o'clock में, 3 o'clock में वो क्या दिखा रहा है चिल्ड्रन, मिरर इमेज में 9 o'clock दिखा रहा है. तो अब इससे मैं क्या बता सकती हूँ, इससे मैं क्या बता, देखो ये तो मैंने जनरल चीज बता दी कि भाई हाँ मिरर इमेज मैंने बना ली और ऐसा ऐसा हो गया. बट देन चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दिस कि हर बार हम बना के नहीं करेंगे, हर बार लाइक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि मैंने यहाँ पे बनाया राइट बनाया लेफ्ट बनाया फिर उसका लेफ्ट देखा राइट देखा और ये तो ठीक है चलो 90 डिग्री पे था, बट अगर मान लो 4:35 बोल दिया तो फिर कहाँ ड्रॉ करने बैठोगे ऐसे, नो. सो दिस इज नॉट द केस. वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर इज दिस चिल्ड्रन, लेट मी एक्सप्लेन यू. हम लोग क्या करेंगे चिल्ड्रन, जैसे मान लो मुझे गिवन है फाइन मिरर इमेज, फाइंड मिरर इमेज ऑफ 10:25, फाइंड मिरर इमेज ऑफ 10:25, राइट. तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, वी वोंट ड्रॉ, वॉट वी विल डू सिंपली इज, इसका सोल्यूशन क्या होगा चिल्ड्रन, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 10:25 फ्रॉम 11:60. ठीक है, सिंपली हमें यही करना है चिल्ड्रन कि मुझे 10:25 को सब्ट्रैक्ट करना है 11:60 से. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम इज 12 चिल्ड्रन, राइट. बट 12 में से मैं कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगी, अगर मुझे 12 में से सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 12 में से अगर मुझे नेगेटिव है, 12 में से अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 10:25 को, तो मिनट तो मेरे पास है ही नहीं, राइट. मिनट मेरे पास जीरो है तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, राइट. तो मैं क्या करूंगी, 12 o'clock को आई कैन राइट 11:60, दैट इज इक्वल टू 12 ओनली, बट मेरे पास यहाँ पे मिनट भी आ जाएगा. तो मैं क्या करूंगी, सिंपली 11:60 सब्ट्रैक्टेड बाय 10:25, राइट. तो मुझको आंसर मिल जाएगा दैट इज 1:35. तो मेरे पास आंसर आ गया कितना चल रहा है, 1:35. मतलब अगर मुझे मिरर इमेज लेनी है, अगर मुझे मिरर इमेज पता करनी है इसकी, तो वो कितनी हुई चल रही, अगर मुझे पता करनी है मिरर इमेज इसकी 10:25 की, तो वो कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 1:35. ठीक है, मतलब 1:35 उसके अंदर हो रहा होगा, है ना. एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, पर लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सो मिरर इमेज ऑफ, जैसे इफ द मिरर इमेज ऐसा अपन लिख लेते हैं, इफ द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोज, इफ द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोज 2:45,
ठीक है, मिरर इमेज क्या शो कर रहा है? 245 शो कर रहा है. देन व्हाट इज द रियल इमेज? देन व्हाट इज रियल इमेज? व्हाट इज रियल इमेज? तो अब रियल इमेज कैसे फाइंड करूंगी मैं चिल्ड्रन? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. 1160 से मैं इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, राइट? 1160 से अपन इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 245, राइट? 1160 से जो मेरा मिरर इमेज है उसको सब्ट्रैक्ट किया 245, तो दिस गिव्स मी हाउ मच? 9:15, राइट? तो मतलब रियल क्लॉक में कितना बज रहा है? 9:15 बज रहा है और उसका मिरर इमेज बता रहा है 245. समझ गए हम? ये चीज समझ गए चिल्ड्रन? सो एक आध और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से अपने को फाइंड करना है सी चिल्ड्रन, अगर मुझे ऐसा कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि मिरर इमेज ऑफ लेट मी थिंक मिरर इमेज ऑफ, मान लो अगर ऐसे दे रखा है इफ समथिंग लाइक दिस इज गिवन चिल्ड्रन, लेट अस से मुझे दिया हुआ है मिरर इमेज ऑफ 515 अगर मुझे पता करना है, ठीक है, या चलो 515 का ही फाइंड आउट करते हैं. मिरर इमेज ऑफ 515 तो कितना हो जाएगा? 1160 माइनस 515, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 10 माइनस 5 एंड 5 माइनस 1 इज 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 6, सो 645 वुड बी द आंसर. अच्छा कभी अगर ऐसा टाइम दिया हुआ है तो चिल्ड्रन, इफ समथिंग लाइक दिस इज गिवन 045, राइट? तो इसका क्या मीनिंग होता है? इस 00 का क्या मीनिंग होता है चिल्ड्रन? दैट इज 1245, राइट? दैट इज 1245, क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज 1245. अब मुझे बताओ कि मिरर इमेज इसकी फाइंड करनी है, ठीक है? मिरर इमेज हमें फाइंड करनी है 0045 की, जिसका मतलब आपको समझ में आ गया कि इस 1245, राइट? अब 1245 को अपन 1160 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? प्लीज टेल कि अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? 1160 माइनस 1245, कैन वी डू दिस? ऑब्वियसली नॉट, वी कैन नॉट. इसका मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब कुछ और चाहिए. इसका मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करने के लिए और कुछ चाहिए, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2360 चिल्ड्रन. 2360 में से अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. आई बात समझ में? मतलब 1160 तक अगर कुछ है तब तो आप उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट मान लो 0045 दिया, 1245, या ऐसा कुछ दिया है मान लो 1230, राइट? या ऐसा कुछ भी, राइट? बेसिकली 12 दिया है तो आप 1160 से यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इट, राइट? सो हम क्या करेंगे तभी चिल्ड्रन? देन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2360. सो 2360 माइनस 1245 इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच? 5. दिस विल बी 5 एंड 4 10 एंड दिस बिकम्स 1 एंड 1. 1120 वुड बी द मिरर इमेज. ये क्या हो गई? मिरर इमेज हो गई. तो हमने दो चीज पढ़ ली चिल्ड्रन. दो चीज क्या पढ़ी है? एक तो ये हम समझ गए, इतना तो हमें आता ही है कि कितने आवर्स होते हैं, कितने
मिनट्स होते हैं, ये सब कितना 360 डिग्री क्या होता है। सो हमने दो चीज़ पढ़ ली चिल्ड्रन कि जब भी मुझे मिरर इमेज निकालना है, या मिरर इमेज ही क्यों, अगर मिरर इमेज दे रखा है और रियल इमेज निकालना है, दोनों ही केसेस में चिल्ड्रन अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वील बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1160, राइट। देन सेकेंड केस क्या है, इफ टाइम इज मोर देन 1160, राइट, मतलब इट इज लाइक 12 हुआ, राइट, या 0040 हुआ, मतलब 00 जब भी लिखा है और फिर ऐसे लिखा है इसका मतलब 1240 बोल रहा है वो, या फिर उन्होंने दे रखा है लेट्स से 1250 और थिंग्स लाइक दैट, राइट। इस तरह से अगर मुझे गिवन है, देन सबट्रैक्ट फ्रॉम 2360, राइट। तो ये दो चीजें हमको समझ आ गई, ठीक है, ये दोनों चीजें हमें समझ आ गई। अभी तक हमने पढ़ लिया कि मिरर इमेज में अगर आता है, पूछा जाता है, तो हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन? अब नेक्स्ट चीज अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस, जैसे वो जो स्पेसेस वाली बात कर रही थी मैं चिल्ड्रन, मतलब कि देखो मैं बनाती हूँ पहले, देन वी विल टॉक अबाउट इट, कि मैंने इस तरह से 12 और ये 1 2 3, मतलब बहुत ज्यादा गैप हो गया, लेट्स नॉट मेक दैट गैप। ये कैसे होएगा, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 1 2 एंड 3, ठीक है, मान लो। सो बाकी का तो आप बना ही लोगे, मेरा जो मेन कंसेप्ट है वो मैं बताना चाह रही हूँ। उसमें क्या है चिल्ड्रन, देखो जैसे ये 12 बजा, ये 1 बजा, ठीक है, अब इसके अंदर चार अपने पास वो है 1 2 3, अरे लेट मी मेक इट बिट मोर, ओहो लेट मी मेक इट अगेन, जो मुझे समझाना है वो तो मुझे समझाना ही है, सो आई मेड इट लाइक दिस एंड लाइक दिस, so this becomes what, this is 12 and this is 1, this is 12 and this is 1, so 1 2 3 and 4, ठीक है, ये 4 मैंने इक्वल यहाँ पे पार्टीशन के, बट एक्चुअल पार्टीशन कितने हैं, ये तो लाइंस मैंने 4 ड्रॉ करी, बट इक्वल डिस्टेंस पे पार्टीशन कितने हैं, 1 2 3 4 and 5, 5 पार्टीशन हुए इक्वल, ठीक है। तो 1 आर, मतलब 1 आर इज इक्वल टू, चिल्ड्रन देखो 12 से 1 के बीच में देर इज 1 आर, राइट, देर इज 1 आर, सो 1 आर में कितने स्पेसेस हैं, ये एक स्पेस हुआ, ये 2 स्पेस हुआ, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, सो 1 आर के अंदर कितने स्पेसेस हैं चिल्ड्रन, 5 स्पेसेस हैं, 5 इक्वल स्पेसेस हैं, है ना। सो 12 आर के अंदर कितने हो गए, 12 आर के अंदर कितने हो गए, ऑब्वियसली 5 × 12, भाई 1 आर के अंदर अगर 5 स्पेसेस हैं तो 12 आर के अंदर 12 × 5 दैट इज 60 स्पेसेस, राइट, दैट इज इक्वल टू 60 स्पेसेस, क्लियर। सो अब अगर मैं बात करूं, इफ द क्लॉक हैज मूव्ड 4 मिनट्स, अगर मैंने बोला कि भाई मेरा ये मिनट हैंड था, ठीक है, वो जस्ट अ सेकंड, लेट मी ड्रॉ इट अ स्ट्रेट लाइन, अगर मेरा यहाँ पे ये था, है ना, अब मैं बोल रही हूँ कि ये चल करके यहाँ 4 मिनट पे आ गया, ठीक है, इधर इतना मूव कर लिया, सो मैं क्या बोल सकती हूँ, इफ क्लॉक हैज मूव 4 मिनट्स, तो आई कैन से क्लॉक हैज मूव्ड 4 स्पेसेस, क्लियर है चिल्ड्रन, इतना बात आया समझ में, कि भाई अगर अपन मिनट्स की बात कर रहे हैं तो स्पेसेस हो गए वो, तो इसका मतलब 12 आवर्स के अंदर कितने स्पेसेस होते हैं चिल्ड्रन, 60 स्पेसेस होते हैं, इतना हम समझ गए। नेक्स्ट, अगर मैं बोल रही हूं कि इफ द मिनट हैंड हैज मूव्ड 60 मिनट्स, मतलब अगर मिनट हैंड अगर 60 मिनट्स
मूव कर गया तो इसका मतलब वो कितना मूव कर गया चिल्ड्रन, 60 स्पेसेस मूव कर गया। समझ गए अपन इतनी बात समझ गए, चलो ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, देखो इफ आर या मिनट हैंड मूव्स वन एंटायर सर्कल दैट मीन्स इट हैज कवर्ड 360 डिग्री। ये बात हम जानते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि इफ आर या मिनट हैंड has moved या completed one complete circle या one entire circle, so that means what? it has covered कितना 360 degrees, है ना। ये चीज अपन ने पहले ही पढ़ ली। तो अब अपन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कुछ पढ़ते हैं। देखो समझना, इन वन आर में मिनट हैंड, मतलब हम वन आर की बात कर रहे हैं, द मिनट हैंड कवर्स 360 degrees, ठीक है। मिनट हैंड जो है वन आवर के अंदर 360 डिग्री कवर करता है, ये हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था, अभी भी देख लिया है ना। तो वन आवर का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, देखो वन आवर में 360 डिग्रीज, और द आवर हैंड कवर्स 360 डिग्रीज, तो इसके अंदर मैं बोल सकती हूं, अब अपन आर हैंड की बात कर रहे हैं, इन वन आर आर हैंड कवर्स हाउ मच चिल्ड्रन, 360/12। कैसे आया मैं समझाती हूँ, देखो मेरे प्यारे बच्चों मैं समझाती हूँ तुमको, ऐसी क्या बात है। देखो जिसको समझ में आया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं। देखो अगर मैं आर हैंड की बात करूँ तो 12 आवर्स में आर हैंड कितना कवर कर रहा है, 360 डिग्रीज, है ना। समझ में आ रही है बात कि आर हैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आर हैंड, स्मॉल वाला हैंड जो है क्लॉक का, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो अब आर हैंड के अंदर 12 आवर्स में, है ना, 12 घंटे में, जैसे 3 बजे 12 आवर्स कंप्लीट किए, वापस 3 लाइक दिन की 3 PM से रात की 3 PM 12 आवर्स हो गए, उसने ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, करेक्ट बात है। पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं मतलब 360 डिग्री। तो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री है तो सिंपल यूनिटरी मेथड से मेरे बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि 1 घंटे में 360/12 दैट इज 30 डिग्रीज कंप्लीट करेगा। आ रहा है समझ में, समझ गए। तो मतलब 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड कितना मूव करता है 360 डिग्री और आर हैंड कितना मूव करता है 30 डिग्रीज। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड कंप्लीट करेगा पूरा 360 डिग्री और आर हैंड कंप्लीट करेगा 30 डिग्री। मंजे यहां से देखो, अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा ये 3 बज रहा है और यहाँ पे 4 बज रहा है, ठीक है, तो मंजे क्या बोलना चाह रही हूँ मैं वो समझो आप, कि 3 बजे से जब ये आर हैंड इस 4 पैर का टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा कर्वी हो गया, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, मेरी बच्ची ये यहाँ पर आ गया इस जगह पर, राइट। तो इसका मतलब इस आर हैंड ने कितना कंप्लीट किया चल, 30 डिग्री। समझ गई क्या, कि 3 बजे से 4 बजे तक में 30 डिग्री हो गए, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब ये तो हुआ हमारा आर के लिए, है ना। अब अपन बात करते हैं मिनट की बात करते हैं, है ना, इसी के अंदर। तो वह क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगी। देखो
अभी अपन ने बात करी दोबारा से ब्लू पेन की, तो अब अपन बात करते हैं इन वन मिनट, इन वन मिनट की, है ना। अब इसके अंदर सेकेंड हैंड कवर करेगा। सेकेंड हैंड इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि थोड़ा इट शुड लुक गुड। सो द सेकेंड हैंड कवर्स 360 डिग्री। ये तो हम बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। भाई 360 डिग्री होते हैं तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड जो है वो टक 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 मूव करता रहेगा एक मिनट के अंदर, है ना। तो लेट मी ड्रॉ द क्लॉक, यहाँ पे मैंने इसको बनाया, है ना। अब एक मिनट का मतलब यह हुआ कि ये जो है इधर मान लो यहाँ पे था 12 पर, है ना। अब इसके बाद ये वन मिनट में, अरे यार इतना टेढ़ा क्यों बनता है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये मैंने बनाया, इसको मैं सीधा बना के ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कोई बात नहीं। एंड वन मिनट के अंदर ये इतना ट्रैवल किया, लेट्स से यहाँ तक, ठीक है, ये वन मिनट है मान लो। तो ये जो हुआ, है ना, मान लो कि ये वन मिनट है, एक मेरा यहाँ है, इसके बीच में बहुत सारे वो हैं, समझ जाओ, है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ, सेकेंड हैंड कवर्स 360 डिग्री। तो अब इसमें मिनट हैंड कितना कवर करेगा। अब मिनट हैंड कवर्स हाउ मच, इट कवर्स 360 अपॉन 60। क्यों, फिर से मैं बताऊंगी, मैं समझाऊंगी, मुझे मजा आएगा समझाने में। देखो देखो मेरे बच्चे, देखो 60 मिनट्स के अंदर अपन मिनट हैंड की बात कर रहे हैं अभी, है ना, अपन बात कर रहे हैं मिनट हैंड की। सो 60 मिनट्स में पूरा मिनट हैंड कितना कवर कर लेता है, 360 डिग्रीज। सही बात है, 60 मिनट बन जाए वन आवर में पूरा एक कवर कर लेता है। वन आवर मतलब 60 मिनट्स होता है, ये मैं जानती हूँ। तो 60 मिनट्स में ये मिनट हैंड जो है वो कवर कर लेता है पूरा 360 डिग्री, राइट। सो वन मिनट में ये कितना कवर करेगा, 360 अपॉन 60, सिंपल। तो कितना हो गया, 6 डिग्रीज। कितना हो गया चल, 6 डिग्रीज हो गया, 6 डिग्रीज। समझ गए हम लोग कि वन मिनट के अंदर मिनट हैंड कितना कवर करता है, 6 डिग्रीज। मतलब ये वाला जो है ना कितना है, 6 डिग्रीज है। आई बात खजर में, ठीक है। तो अब आर हैंड कितना कवर करेगा एक मिनट के अंदर चिल्ड्रन, इट इज गोइंग टू कवर। अब देखो इसको भी अपन समझते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ, पिंक कलर से समझते हैं। चलो ये तो बहुत लाइट हो गया, थोड़ा डार्क पिंक कलर लेते हैं, या पिंक कलर अपन कभी यूज ही नहीं करते इसके अंदर, तो मैंने सोचा कि अपन पिंक कलर तो नहीं है ये, थोड़ा कुछ तो ब्राउन और पिंक मिक्स है, कोई बात नहीं, इसको अपन यूज कर लेते हैं, डजंट मैटर। सो अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा चिल्ड्रन कि वन आवर के अंदर आर हैंड कवर्स 30 डिग्रीज। तो वन आवर मतलब 60 मिनट्स। अब अपन बात कर रहे हैं, लेट मी राइट इट, अपन बात कर रहे हैं आर हैंड की, है ना, अपन बात कर रहे हैं आर हैंड की। सो आर हैंड 60 मिनट्स में कितना कवर करता है चलो, देखो कितना कवर करता है, 30 डिग्रीज। अभी अपन ने कैलकुलेट किया कि वन आवर के अंदर आर हैंड कवर करता है 30 डिग्रीज, है ना। तो ये कवर करता है 30 डिग्रीज, तो इसका मतलब वन मिनट में कितना कवर करेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, 30 अपॉन 60, दैट इज 1/2 डिग्रीज, 1/2 डिग्रीज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हुई, 1/2 डिग्री कवर करता है। अब अपन कंक्लूड करते हैं जो भी अपन ने पढ़ा, भाई स्पेसेस वाली बात तो आप समझ गए कि एक मिनट है तो एक स्पेस, दो मिनट है तो दो स्पेस, तीन मिनट है तो तीन स्पेस, राइट, ये सब चीजें अपन समझ गए, है ना। दूसरी बात अपन क्या समझ गए कि भाई
1 घंटे, मतलब अगर आर हैंड है तो वो 12 आवर्स में 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, और मिनट हैंड है तो वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, है ना। ये दूसरी बात अपन समझ गए थे, मतलब तीसरी चौथी बात जो भी है। फिर 1 आवर के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर, मान लो 3 से 4 के बीच में अगर हम बात करना चाहें कि भाई 3 बज रही है और फिर 4 बज रही है, तो उस टाइम पे मिनट हैंड तो कवर करेगा, 1 घंटे के अंदर कवर करेगा 360 डिग्री, ये बात हमको पता है। आर हैंड कितना कवर करेगा? 30 डिग्रीज कवर करेगा, है ना। ये बीच का जो है ये एंगल कितना होगा? 360 डिग्रीज होगा, ये भी हम समझ गए। फिर हमने बात करी 1 मिनट के अंदर। अब 1 मिनट के अंदर सेकेंड वाला तो 360 कंप्लीट करेगा, ये तो हम जानते ही हैं, बट मिनट हैंड कितना कंप्लीट करेगा? 6 डिग्री, 6 डिग्रीज, मतलब मिनट हैंड कितना चलेगा 1 मिनट के अंदर? 6 डिग्रीज चलेगा। और आर हैंड भी चलेगा भैया, वो वहीं थोड़े ना रहेगा, तो वो कितना कंप्लीट करेगा? चलो 1/2 डिग्रीज कंप्लीट करेगा, है ना। तो ये इतनी चीजें अपन समझ गए इसके अंदर। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों? समझ गए? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब इसी के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी चीज अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे वो स्पेसेस वाली बात मैं बोल रही थी ना, तो इसके अंदर स्पेसेस वाली बात को आप कैसे समझोगे? देखो, अगर मैं बोल रही हूँ इन वन आर, तो मिनट हैंड मूव्स, अगर मैं बात कर रही हूँ मिनट हैंड मूव्स हाउ मच? मिनट हैंड मूव 60 मिनट स्पेसेस, है ना। मिनट हैंड मूव कर रहा है 60 मिनट स्पेसेस, तो उस टाइम पे आर हैंड कितना मूव कर रहा है? आर हैंड मूव्स भाई 1 घंटे के अंदर अगर 60 मिनट स्पेसेस कंप्लीट कर रहा है, तो आर हैंड कितना कंप्लीट कर रहा है चलन? 5 मिनट स्पेसेस, ठीक है। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी तरह से लिखा जा सकता है, राइट। क्वेश्चन में किसी भी तरह से फॉर्म हो सकता है। तो अब आप बोलोगे कि स्पेसेस, मिनट स्पेसेस क्या होता है भाई? 5 मिनट स्पेसेस क्या होता है? तो 5 मिनट स्पेसेस मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मिनट स्पेसेस हो गया, है ना। तो जैसे किसी क्वेश्चन में ऐसे इस तरह की लैंग्वेज आ गई कि इन वन आर द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट स्पेसेस ओवर आर हैंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ही सिंपल। देखो, 1 आर के अंदर कितना हो रहा है? 60 मिनट स्पेस, मतलब ये कितना चल रहा है? आर मिनट हैंड कितना चल रहा है? 60 स्पेसेस कवर कर रहा है मिनट हैंड, वेर एज आर हैंड कितना कवर कर रहा है? सिर्फ पांच कवर कर रहे हैं, मतलब ये तो एक ही मिनट हुआ, 5 कवर कर रहे हैं। तो मिनट हैंड कितना ज्यादा कवर कर रहा है भाई? 55 मिनट स्पेसेस ज्यादा कवर कर रहा है। क्यों? 60 में से 5 माइनस कर दो भाई, 55 आ गया ना, 55 मिनट स्पेस ज्यादा कवर कर रहा है मिनट हैंड। समझ गए मेरे बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं अपन, थोड़ी सी बात करेंगे अब इस चीज की। देखो, अब अपन बात करते हैं, सी जैसे मैंने एक वो बनाया, चलो ब्लू से ही बना लेते हैं, मैंने क्लॉक बनाई इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर ये मेरा जो आर हैंड है वो तो है 3 o'clock पर, और मेरा जो मिनट हैंड है वो है 12 o'clock पर। दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, बहुत ज्यादा कम गैप हो गया, ज्यादा कम गैप हो गया। दिस इज 4, दिस इज 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो अब इसके बीच में एंगल कितना है चलन? इनके बीच में मेरे बच्चे बताओ एंगल कितना है? मैं दूसरे पेन से बताऊंगी, चलो रेड से बताते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्रीज, ठीक है, 90 डिग्रीज है। तो अब ये हम समझ गए। अब ऐसे और कितनी बार ऐसा टाइम हो सकता है जब इनके बीच में 90 डिग्रीज हो सकता है?
है ना, एक 3:30 बजे भी हो सकता है, या 3:30 बजे तो नहीं होगा, मतलब इस तरह से और हम एंगल्स निकाल सकते हैं, राइट। एक 9 बजे अगर मैं बोलूँ, 9 बजे भी मेरे को कितना मिलेगा, चलो 90 डिग्रीज मिलेगा, है ना, 9 बजे भी मुझको कितना मिलेगा, 90 डिग्रीज मिलेगा। तो ऐसे एंगल बिटवीन द, मतलब इसकी बात कर रहे हैं अपन, लेट मी राइट इट, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन बिटवीन द क्लॉक हैंड्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स की अपन बात कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मिनट हैंड और आर हैंड में 90 डिग्री का वो है ना। तो अब ऐसे पूरे 12 आवर्स में कह लो या 24 आवर्स में कह लो, तो ऐसा कितनी बार होगा कि ये 90 डिग्रीज बन जाएगा, समझ रहे हो, कैसे कितनी बार होगा कि 90 डिग्रीज बन जाएगा। तो अपन ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं चिल्ड्रन, ये चलो इसको अपन बाद में बात करते हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी मैं कुछ और समझा देती हूँ आपको, बिकॉज इसके लिए लाइक वी नीड सम मोर टाइम, है ना। तो इसको अपन राइट, सो कोई बात नहीं, ये 90 डिग्री तो हो गया, इतना तो हम समझ गए, है ना। अब वो कितनी बार अकर होता है वो अपन नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, अभी कुछ और चीज़ मैं समझा देती हूँ आपको, पहले मुझे कुछ और चीज़ समझानी है। देखो अगर मैं बात कर रही हूँ, सी द एंगल बिटवीन टू नंबर्स, अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन, एक इम्पॉर्टेंट सी बात है कि एंगल बिटवीन टू नंबर्स, एंगल बिटवीन टू नंबर्स इज हाउ मच चिल्ड्रन, इट इज 30 डिग्रीज, है ना। ये मैंने कैसे बता दिया, कैसे बताया मैंने, देखो यहीं पर ही अपन ने कर रखा है। सी अपन ने क्या बोला कि एक आर के अंदर आर हैंड कितना कवर करता है, 30 डिग्री कवर करता है ना। तो 1 आर में इसका मतलब जो आर हैंड है बेसिकली वो क्या कर रहा है, 3 से 4 की तरफ जा रहा है ना, 3 से 4 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अपन ने यही निकाला कि भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्रीज है भाई, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है चलन, कितना एंगल का, 30 डिग्रीज का, है ना। तो इसी से ही मैं इस बात को बोल रही हूँ कि भाई एंगल बिटवीन टू नंबर्स कितना है, 30 डिग्रीज, है ना। जैसे मिनट हैंड का भी देखो, तो देखो एक मिनट में कितना डिफरेंस था, 6 डिग्रीज का, और ऐसे कितने स्पेसेस होते हैं, 5 स्पेसेस होते हैं, तो 6 × 5 = 30, है ना। तो एनीवेज भी अगर आप मिनट हैंड से देखो, आर हैंड से देखो, दोनों तरह से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है चिल्ड्रन, वो 30 डिग्रीज ही आ रहा है। तो ये अपन ने एक इम्पॉर्टेंट चीज समझ ली इसमें कि एंगल बिटवीन टू नंबर्स कितना होगा, 30 डिग्रीज ही होगा, है ना। एंगल बिटवीन टू नंबर्स कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अब इससे सी जैसे 2 और 3 के बीच में हुआ, या 5 और 6 के बीच में हुआ, 11 और 12 के बीच में, या कोई भी, है ना, ऐसा कोई भी आप दो नंबर्स ले लो, तो दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में 30 डिग्री एंगल होगा, है ना। तो अब अपन बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन से अपन समझते हैं इस चीज को। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, एंगल बिटवीन, क्वेश्चन वो बोल रहा है एंगल बिटवीन angle between both hands, angle between both hands at 8:30, है ना। अब वो बोल रहा है दोनों hands के बीच में, दोनों hands के बीच में angle कितना होगा at 8:30। तो अपन बनाते हैं एक बार, clock बनाते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन और लूंगी मैं चिल्ड्रन, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में भी लाइक आई विल बी टेकिंग दिस कंसेप्ट अगेन। और जो मैंने अभी आपको समझा रही थी कि भाई 90 डिग्री कितनी बार अकर होगा एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो भी मैं लाइक दैट ऑल्सो वी गो थ्रू इट, है ना। तो अब 8:30 कहाँ बजनी चाहिए समवॉट, लेट मी मेक अ प्रॉपर डायग्राम, थोड़ा सा प्रॉपर बनाती हूँ मैं।
बढ़िया लेट्स से लाइक दिस है ना. सो कोई बात नहीं, इसको समझ लो कि ये राउंड है. सो 8:30 अगर मुझे बजाने हैं, सो दिस इज माय 9, दिस इज माय 8, पूरा सॉरी इधर लिख देते हैं इसको. सो दिस इज माय 6, दिस इज 8, दिस इज 7, 5, 4, 3, 2, दिस इज 1, 11 एंड 12. ठीक है, अब वो बोल रहा है 8:30 पर. 8:30 मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, कि मेरा लेट्स से यही ले लेते हैं अपन, कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड इज सपोज टू बी एट 6, मिनट हैंड मेरा 6 पर होना चाहिए, और जो आर हैंड है दैट शुड बी समवेयर बिटवीन 8 एंड 9. ठीक है, 8 और 9 के बीच में होना चाहिए. अब ये मुझको फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो अंडरस्टैंड ना, अब बहुत ध्यान से समझना चलें यहाँ पे अपन क्या करेंगे. सी देखो, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो 30 डिग्री होता है ना. एंगल बिटवीन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कितना होता है? 30 डिग्री होता है. तो अगर मैं इस तरह से बात करूं, सिंस वी नो एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 30 डिग्रीज, तो इफ आई टॉक अबाउट 6 to 8, है ना, मुझे ये एंगल निकालना है, है ना. इफ आई टॉक अबाउट 6 to 8, क्योंकि ये 8 से थोड़ा सा ऊपर है, राइट, कैन यू सी इट हियर. ये 8 से ऑब्वियसली 8.5 आपको पता ही कैसे बचती है, राइट, 8 और 9 के बीच में रहता है जो आर हैंड होता है ना. तो अब अगर मैं बात करूँ, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, एंगल बिटवीन 6 o'clock टू 8 o'clock, 6 o'clock टू 8 o'clock कितना होगा चलें, यहां से यहां तक 30 और यहां से यहां तक 30, राइट. तो दैट मीन्स 30 into 2 दैट इज 60 degrees, राइट. तो इतना यहां तक का एंगल तो मुझे पता लग गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक का एंगल तो मुझे पता लग गया. अब मुझे यहां से यहां तक का पता करना है, राइट, ये वाला एंगल मुझे पता करना है, क्योंकि यहां से यहां तक तो मुझे पता लग चुका है, राइट. अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, फॉर आर हैंड, देखो आर हैंड ही अपने को चलाना है ना, क्योंकि मिनट हैंड तो अपना है ही, आर हैंड अपने को चलाना है. सो आर हैंड 60 मिनट्स के लिए, अपन आर हैंड की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. फॉर आर हैंड देखो, 60 मिनट्स में आर हैंड कितना चलता है चलन, 60 मिनट्स में आर हैंड कितना कवर करता है? 30 डिग्रीज, है ना. आर हैंड 60 मिनट्स में कितना कवर करता है? 1 आवर में कितना कवर करता है? 30 डिग्रीज. 1 आवर मंजे 60 मिनट्स, है ना. तो ये तो हुआ 60 मिनट्स, पर यहाँ पे कितना कवर कर रहा है? 30 मिनट्स. 30 मिनट्स कवर कर रहा है ना आर हैंड, यहां से लेकर यहां तक 30 मिनट्स हुए, पूरा 1 आवर नहीं हुआ. तो इसका मतलब 30 upon 60 into 30, सो दैट गिव्स मी हाउ मच? 15 डिग्रीज, राइट. सिंपल जो अपना यूनिटरी मेथड होता है वो लगाया है ना. देखो, एक घंटे के अंदर अगर 30 डिग्रीज आर हैंड कवर करता है तो 30 मिनट्स में कितना कवर करेगा? 15 डिग्रीज, है ना, 15 डिग्रीज कवर करेगा. तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? टोटल एंगल में क्या बोल सकती हूँ चिल्ड्रन? यहाँ पे लेट मी यूज अ ब्लैक इंक. सो टोटल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्रीज, मंजे 6 से 8 तक का जो टाइम था दैट इज 60 डिग्रीज, प्लस 8 से 8:30 तक का टाइम कितना निकला? 15 डिग्रीज. 15 डिग्रीज कितना हो गया टोटल? 75 डिग्रीज. मतलब ये जो एंगल है चिल्ड्रन वो कितना हुआ? 75 डिग्रीज. आ गया समझ में हमने कैसे कैलकुलेट किया? आ गया समझ में? अब इसका एक और लाइक लॉजिक होता है चिल्ड्रन, इसका एक फॉर्मूला होता है. अब वो फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे जो उस फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? और एक और कंसेप्ट समझाऊंगी मैं, कि जब अभी तो ये मिनट हैंड जो है वो क्या है? आर हैंड से पीछे है,
पर अगर मिनट हैंड आर हैंड से आगे हो गया तो उस फॉर्मूला में प्लस माइनस लग के क्या होएगा वो सब कुछ भी हम लोग समझेंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस वॉज इट फॉर टूडे. थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग एंड रिमेंबर टू यूज माई कोड AVLIFE टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.